देखिए मुझे कौन बाहर सेट के मिल गया, लोकेशन रेकी करने आए थे ये माइक पे हाथ लेके तो मैंने कहा अब आप इतना पास आए तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, आइए वापस और बैठिए अपनी जज की कुर्सी पर। एक बार सोहेल खान के लिए जोरदार तालियां। एक्चुअली ये फैक्ट है, मैं आसपास घूम रहा था ये कॉमेडी सर्कस का जो एटमॉस्फेयर ना, एक मैग्नेट की तरह है, और जो सबसे बड़ी मैग्नेट वहां बैठी है। बट सीरियसली इट्स सो हैप्पी टू बी बैक, दिस इज माय डियर फ्रेंड एंड दिस होल यूनिट। मुझे आप लोगों से इतना प्यार है, एक्चुअली जब मेरे पास काम नहीं होता है तो आप लोग बुला लेते हो बट मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से गया था, और मैं चाहता हूँ कि अरबाज भाई और 5-6 फिल्म बनाए और बनाते रहे, अब मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ। So welcome back, Sohail. Sohail और अरबाज ने यहाँ इतनी अदला बदली की है कि हमने यहाँ एक नया रूल बना दिया है। आज से यहाँ जजेस क्या कोई आर्टिस्ट भी अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करेंगे। आज हर टीम का मेंबर जो भी कैरेक्टर बनकर आएगा, आगे से हमेशा उसका वो कैरेक्टर और उनकी आपसी रिश्ते सेम रहेंगे। तो इस बात पर जोरदार तालियां हो जाए। वैसे आज हमारे कॉमेडी के किंग वापस आए हैं, तो वो अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत क्वीन भी लाए हैं। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड, द गॉर्जियस, द क्वीन कंगना रनौत। नाइस टू बी बैक हियर। हाय सोहेल। हाय अर्चना जी। वैसे कंगना, आपकी फिल्म काफी थिएटर्स में ऑलरेडी धूम मचा चुकी है, सब जगह आपके दरबार लग चुके हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आपकी क्वीन पूरे इंडिया पर राज करेगी। फिलहाल आप हमारे कॉमेडी की राजमाता और राजकुंवर के साथ विराजिए। थैंक यू। मिस्टर दुग्गल के पास एक रूम है खाली, लेकिन डॉली और जिग्ना जामनगरिया के बीच में हो रही है मारामारी। कौन टिकेगा, कौन निकलेगा, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज डॉली, सुदेश एज दुग्गल साहब, एंड तड़का पूर्वी एज जिग्ना जामनगरिया। ए, क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? देख देख देख, रोज तो मरेली लड़की देखते हो, भरेली लड़की पहली बार देख रहे हैं। वाओ, यू नो द सेट हैज थोड़ा बहुत चेंज किया इन लोगों ने ना। अरे ये घोड़े कहाँ चले गए चार, कहीं ये भी अपना कॉमेडी शो तो नहीं शुरू कर रहे? सुहेल भाई, ओह माय गॉड, आपको ऐसे लगा थोड़ा लेट हो गए प्रमोशन के लिए? जय हो तो रिलीज होके हिट भी हो गई, देखा था दूसरे शो पे प्रमोशन पे आप। वो क्या कहते हैं कि सुबह का भूला 6-8 महीने बाद शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं, उसे शाना कहती हैं। अरबाज भाई, अरबाज भाई चलिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। कोई भाई, इतनी कहानियां सुनानी पड़ती थी ना उनको, माई गॉड, अभी बोलती निकुल कहानियों की किताब जला दे, और जितनी नानियां रखी थी ना क्रिएटिव में गोली मार दे उनको, और जितने कुत्ते राइटर ने बुला ले उनको वापस। सोहेल भाई आ गए, जोरदार तालियां। कहानी सुनने का इतना शौक था ना अरबाज भाई को, इतने स्मार्ट है। मैं पता है घर पे क्या करते, जब भी नींद नहीं आती कहते पापा कहानी सुनाओ ना। अब सलीम अंकल बहुत स्वीट है, वो कहानी सुना देते हैं, सुबह उठ के ये भाई के साथ फिल्म बना देते हैं। माई गॉड। हाय कंगना, क्लीन बोल्ड, क्यों रन आउट पुराना हो गया है? क्या है ना, जो भी लड़का देखता है क्लीन बोल्ड ही हो जाता है। जोरदार तालियां कंगना के लिए। यू नो कंगना, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, बॉम्बे में आई, यहाँ पर अपार्टमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है, यू नो जगह बहुत महंगा, पीजी रहने के लिए। कल एक 5-star होटल गई मैं ताज में, जैसे रिसेप्शन पे गई, कहते एक रात का 18,000। मैंने कहा मैं कैश लूंगी, मतलब मैं कैश दूंगी मेरा मतलब, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं 7-star में रुकी 600 रुपए में। हाँ 7-star लॉज है भाई कल्ला में, उधर रुकी मैं। खैर, आपकी तारीफ हर एक्ट में होती है, तुम अपना बताओ। मेरा मतलब है आप बॉम्बे में नहीं आई? नहीं नहीं, बॉम्बे में तो मैं जूनी हूँ, शक्ति के टाइम की हूँ मैं। हाँ सच्ची में, शक्ति के साथ आऊ का डेब्यू मेरे साथ ही हुआ था उनका। कब की बात कर रहे हो? हाँ, जब उन्होंने मुझे पहली बार जगह कहते आओ ललिता, मैंने कहा मैं ललिता नहीं, मैं डॉली हूँ, डॉली डॉली डॉली। आप डॉली हैं? हाँ। अरे इसको सजाओ निकुल। ए, ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा? शाहरुख जी ने कहा था मेहंदी लगा के रखना, डॉली सजा के रखना, इसको सजाओ।
तुझे अब पता चला तेरी तारीफ क्यों नहीं होती है? तुमको ऐसा देखा लगता है तुमने जेहू फिल्म में काम किया है क्या? एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताना पड़ेगा कि सोहेल साहब ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हो आप जेहू में ना? अरे पूरी फिल्म में मेरा 2 मिनट का रोल है। क्या? हाँ, खुशी की बात यह है कि 10 लाख रुपया इन्होंने मुझे पेमेंट भी दिए। 10 लाख रुपया तुमको? अब यहाँ पे सच थोड़ी बोलूंगा साले। 10 लाख रुपया मेरे को मिला और 30 लाख का मेरा नुकसान हो गया। वो कैसे? इन्होंने मुझे 10 लाख दिया, मैं कह थैंक यू, कहते थैंक यू मत बोलो, जैसे हमने आपकी मदद की है 3 लोगों की और करो। मैंने 10-10 लाख लोगों को दे दिया। खैर हाँ। मैं अपने सामान लेके आती हूँ। ले कंगना अपना मोबाइल नंबर देना मुझे। नहीं ऐसे को गलत मत समझो, मैं पीछे से ना SMS पे जोक भेजूंगी क्योंकि अभी इसका स्टैंड अप है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार एक चूहा सड़क पे जा रहा था, उधर से हाथी आ रहा था, तो मतलब उनका प्यार हो गया, शादी। मुझे बताया, आपको हंसी नहीं आ रही ना, तो जब वो नंबर मांग रही थी दे देते ना, फिर रिस्क क्यों लिया? जय श्री कृष्ण कंगना बेन, हेलो अर्चना बेन, हेलो सो। अरे पाप लगेगा भाई बोलूंगी तो यार। आप कौन हो? मैं माइशेल जिगना जामनगरिया, वॉल्फी मशीन जामनगर, शेटल डीन मुंबई, फेवरेट एक्टर नरेश कनोडिया, फेवरेट सिंगर फाल्गुनी पाठक, फेवरेट कंपोजर हिमेश रेशमिया, एंड फेवरेट फूड कांजीवली इश्क की जगदम्बा स्टाइल पाव भाजी। आप मिस्टर दुग्गल हो? हाँ मैं दुग्गल हूँ। तो आपको मकान देने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं देखो, मकान तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी शर्त है। क्या क्या? बोलो बोलो। बस हल्की सी, आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी? लेकिन क्यों? एक्चुअली बिल्डिंग में अनमेरिड लड़की अलाउड नहीं। अरे अरे, तो आप मुझे अपनी बहन भी बना सकते है ना? ए, पागल है तू? लेकिन एक मिनट, ये क्या है? ये तो आपके घर में एक ही बेड है। कोई बात नहीं, आप यहाँ सो जाना, मेरा क्या है, मैं नन्ही सी जान, मैं कहीं भी कोने में पड़ा रहूंगा आपके साथ बेड पे, मेरा तो कोई है नहीं। Excuse of the me, hello, please, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हम दोनों का अलग अलग होगा। पिल्लो। ए हाया, ये फोटो किसका है, इतना ब्यूटीफुल फोटो? Who is she? She is my wife. तो किधर है आपकी मिसेस अभी? अभी थोड़ा गई हुई है। अच्छा। मर के बस आती होगी अगले जन्म में। मर के? She is having death. Oh my God! Oh my God! She is a deadly. अरे 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 अरे, कोई बात नहीं, आप मुझे घर वर दिखा दो बाबा, चलो। आओ मैं तुमको घर, ये देखो, ये जो चीजें हैं ना, अंदर आ जाओ। अच्छा अंदर किधर? ये सब क्या चल रहा है मेरी पीठ के पीछे? ए भागना, तू मेरी बीवी नहीं है, तू किराएदार है। किराएदार वाले डायलॉग याद करके आ। बकवास बंद कर। कौन है ये? माइशेल जिगना जामनगर, वर्ल्ड फेमस जामनगर, शेटल इन मुंबई, फेवरेट एक्टर नरेश कनोडिया, फेवरेट सिंगर फाल्गुनी पाठक, फेवरेट कंपोजर हिमेश रेशमिया, एंड फेवरेट फूड कांदली विश की जगदम्बा स्टाइल पाव भाजी। मैं डाली 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 डाली। मैं हूँ डॉली साठे, नाश्ते में खाती आठ आठ पराठे, मेरे को देखकर बंद हो जाते बुड्ढे लोग के खराटे। मुंबई ची मुलगी मुलगी शिकली प्रगति झाली जी माइला। मेरे को हल्के में मत ले। अरे एले से आई हूँ मैं, एले से। ए तू एले से आई है? मैं पहले से आई हूँ इधर, समझी तू क्या बात कर रही है, बकवास करती है कमीनो। क्या एले से वेले से, मैं क्या थैले से आया, इधर से बैठा हूँ मैं। दुग्गल साहब भी है हमारे एक्ट में, क्या करते हो तुम? उठो दुग्गल साहब। मैं अपने आप उठूंगा, बाद में बोलेंगे एक्ट तो हमने उठाया था। दुग्गल साहब मैं कहती हूँ इसको यहाँ से बाहर निकालो। ओके दुग्गल साहब, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे आपकी जरूरत है, यू नो मैं तो सुंदर भी हूँ ना बस। इसने मुझे फंसा लिया, मैं इसकी बातों में आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी खूबसूरत की बातों में आकर मैं तुम्हें धोखा दूंगा, सुबह निकाल दूंगा। नहीं तू अभी निकल जा। मेरी बात। अब एक मिनट हाँ डोली बहन, अभी इतना ना टेंशन मत लो ना, क्या झगड़ा करते हो, तुम स्ट्रगलर मैं स्ट्रगलर, अरे दोनों मिल के रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देखो हाँ। बाल्टी तुम उठाना हाँ। पानी मैं भर लूंगी हाँ। खाना तुम बनाना हाँ। खा मैं लूंगी है? हाँ वैसे जैसे एक्टिंग मैं करती हूँ, नंबर तुम लोग को मिलते। ओके ओके सेटलमेंट हो गया,
तीनों आराम से रहेंगे, ओके वेरी गुड डील पक्की, गेट वेल सून, गेट वेल सून। बेटे सच्ची बताना, तुमने सुबह से कुछ खाया? नहीं। एक नाक में मुक्का खाओ कि क्या बोली जा रही हो कब से? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं नहीं। तू बता इधर भाड़ा कितना देना पड़ेगा? भाड़ा मैं आपसे लूंगा 2,000 रुपया महीना, आपसे लूंगा 14,000 रुपया महीना। मेरे से 2 और उससे 14 क्यों? देखो बेटे, अपनी अपनी औकात होती है। देखो वो चाहे कुछ भी बन जाए, अंदर से तो कृष्णा ना, पेमेंट बहुत ज्यादा उसकी, समझा कर। खैर बुरा नहीं मानना, आप दोनों यहाँ रहो, लेकिन एक मेरी छोटी सी शर्त है। बोले बोले जो भी हो गया, बोलना नहीं, शर्त 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 दिखानी है। इसको कोई भी पहन के दिखाओ, जो मुझे सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर ज्यादा लगेगा वो इस फ्लोर पे रहेगा। तेरे को भी पता चला तेरी तारीफ क्यों नहीं होती साले? हाँ एक मिनट, एक फोन आ गया। कौन है? अरबाज भाई। हाँ क्या हुआ? हम लोग को मिस कर रहे हो, कॉमेडी सर्कस को मिस कर रहे हो? अगर हमें 10-10 नंबर दिए होते ना तो आज मिस नहीं कर रहे होते आप। मैं सच्ची बता रहा हूँ सोहेल भाई, 10-10 नंबर ही देना, याद रखना। आप लोगों को हमने सिर्फ कुर्सी दी है, पावर हमारे हाथ में। जब मैं यहाँ अंदर आया, I felt at home, और मुझे ऐसा जेन्युइन लगा कि मैं यहाँ से कभी निकला ही नहीं था। इट्स सो लवली टू बी बैक हियर। और ऐसा जो टैलेंट मैंने आके निकुल को वही बोला कि यार निकुल, दिस काइंड ऑफ टैलेंट कहाँ मिलता है देखने के लिए यार। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू बी बैक हियर एवरी वीक, और मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। इतना अच्छा काम किसी को जिंदगी में नहीं मिल सकता। यहाँ आओ और आप सबके साथ हंसी मजाक के साथ वक्त गुजारो। कॉमेडी सर्कस का जो एक कॉन्सेप्ट अभी जो बनने वाला है, सब एक्टर्स एक ही फॉर्मेशन में करेंगे और कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करेंगे, और मुझे लगता है कि ये जो जर्नी आप हमें हमेशा ले जाओगे, इस पे हमें सबको बहुत मजा आएगा। कंगना, मैं तो जब भी कॉमेडी सर्कस पे आती हूँ, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लाफ एंड यू नो लाफ फॉर आवर्स। तो बहुत अच्छा, एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू कंगना। आर्ची, जब फिल्म में कैरेक्टर्स होते हैं तो कैरेक्टर्स अगर कामयाब नहीं हो या वर्क ना करें तो फिल्म में मजा नहीं आता। यू थ्री आर स्टार्स, थ्री ऑफ यू। अगले एपिसोड में आप इन्हें दोबारा देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार ऐसे कैसे जाएंगे हम लोग? अच्छा, मैं तो स्ट्रगलिंग हीरोइन हूं, तो अभी कंगना आई है तो ऐसे थोड़ा बहुत तो डांस सीख के जाऊंगी। एक अप टू डेट नौकर ने एक पति पत्नी को मालिक रखा है, अब घर में किसका ऑर्डर चलता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज मिस्टर गफूर, जैमी एज मिसेस गफूर, एंड मुबीन एज अप टू डेट नौकर। अरे पिट गया रे डंका, ऐलान हो गया। अरे कॉमेडी सर्कस के चाहने वालों, वो देखो एक बार फिर अर्चना इज बैक। ये सुनना कभी नसीब नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए जाना पड़ता है। गुड, नहीं जाऊंगा। हम तो कहते हैं जरा ये एक बहन आपको भी लाओ, एक सीजन आप करो, एक सीजन वो करे। लेकिन ये जो खुशी है ना, ये हमारे पंचेस की नहीं है, ये इस बात की खुशी है कि he is back, the one and only सोहेल खान। कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के, हमारे बिरयानी बाबा? पहले तो हम अर्चना जी, आपके साथ में जो बड़ी खूबसूरत सी मोहतरमा बैठी, उनको आदाब कहना। कंगना जी, हमें मालूम पड़ा आप आने वाले हैं, और रात भर आपके लिए एक शायरी लिखी है कि मछली जल की रानी है, मतलब कि क्वीन, जीवन उसका पानी है, मतलब कि वाटर, हाथ लगाओगी तो डर जाएगी, मतलब टेरर, और बाहर निकालोगी तो मार जाएगी, मतलब डेथ। अब क्या है ना कि इस शायरी में हमने आपको कास्ट नहीं किया, क्योंकि इसके एंड में हीरोइन की डेथ हो जाती है ना, और हम आपको जिंदा देखना चाहते हैं, इतना खुशनुमा, क्योंकि यार मरने में क्या मजा है, मजा तो है जीवन में। जीवन में यार। वैसे हम आपको बता दें, हम हैं मियां गफूर, रहते हैं हमेशा मस्ती में चूर, अरे नहीं उठाते जो भी पैसे हमने है फेंके, जिस गली से निकल जाए कहते वो जा रहा गफूर पप्पी लेके। गलत मत समझिएगा, पप्पी लेकर हमारा तकिया कलाम है। वैसे जीवन की बात भी है तो मौत भी दस्तक देगी, हम बोले थे वो दस्तक देगी हमारी लुगाई। अच्छा सुनते हो,
हमें तो सुननी पड़ेगी। अरे घर में गैस नहीं है, राशन नहीं है, दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं बचा। अरे तो आग लगाओ ऐसे घर में जिसमें कुछ नहीं बचा पप्पी लेके। अरे आग तो हम अभी लगा देते हैं, लेकिन आप घर में रहते ही कहाँ हो। ऐसा करो जाने मन, तुम्हारे घर जल्दी से बढ़िया से हमें चार गाली सुना दो। आज आपको गाली नहीं सुनाएंगी, आपके लिए हमने कांदे पोहे बनाए हैं, क्योंकि गाना और खाना दोनों ही अच्छा होना चाहिए, है ना। एक तो एक चुड़ैलों की तरह हंसा मत करो, पोहा का स्वाहा हो जाता है यहाँ पे पड़े पड़े। थैंक यू। अरे वाह जाने मन, ये तुमने नमक में आज पोहे कम नहीं डाल दिए, पत्ती लगी। देखो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा। ये थोड़ा नहीं है, दांडी यात्रा में इतना नमक नहीं निकला होगा जितना तुमने पोहे में डाला पप्पी लेके। कंगना सुन रही है ना तू, रो रही हूँ मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कंगना देख रही हो रास्ता साफ है, जल्दी आ जाओ पप्पी लेके। किचन में जाओ जल्दी से खाना बनाओ, भूख लग रही पप्पी लेके। नहीं घर में खाना नौकर बनाएगा, क्योंकि मैंने एक हाई फाई नौकर मंगाया है। अरे कहाँ है, अभी तक तो नहीं आया है नौकर। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, मैं आज यहाँ नौकरी मांगने आया हूँ, बस मेरी नौकरी लग जाए उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे सुख छीन लूंगा कमीनी। चुन चुन के बदला लूंगा तुझसे। फोन रख। वैसे जब फोन बंद हो तो गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल दो, बुरा नहीं मान। एक्सक्यूज मी, आपको नौकर से आइए। पहले घर तो खरीद लो। कौन है? अरे नौकर, इधर आ नौकर। आपने कुछ कहा कुत्ते के जैसे? Hey! नहीं आई एम सॉरी, एक्चुअली ये मेरा अब्दुल कलाम है। अबे भगोने, वो अब्दुल कलाम नहीं तकिया कलाम होता है। हाँ। जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे तकिया लेने के लिए मना किया। Hey? गर्दन में थोड़ा प्रॉब्लम है कुत्ते के जैसे। ये कैसा नौकर रखा पप्पी लेके? एक्सक्यूज मी, खबरदार जो मैंने नौकर कहा तो मैंने अभी तुम्हें मालिक रखा नहीं है कुत्ते के जैसे। ये हम डिसाइड करेंगे कि तुम नौकर रखे जाने चाहिए कि नहीं पप्पी लेके। हम देंगे ही नहीं। अबे ये हमारे तकिया कलाम है यार। अच्छा, इससे पहले कहीं काम किया आपने? हाँ, इससे पहले मैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार मिस्टर मूवीन के यहाँ काम करता था। हाँ जानते, हम सब उस बहुत बड़े सुपरस्टार मुबीन को जानते। क्या करते थे आप उनके आलीशान बंगले में? उनकी मिमिक्रियां धोते थे? हाँ धोते थे। हाँ। कभी आपके डेनी में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, फिनाइल से धोके खत्म ही कर देंगे। वेरी फनी। वैसे नौकर तुम्हारा नाम क्या है? मालिक। बोलो मालिक। बोलो। अबे नाम ही तो बोल रहा हूँ, मालिक मेरा नाम है। अच्छा सुनो, अब आ ही गए हो तो काम समझ लो, दिन भर का सारा काम तुम करोगे, झाड़ू पोछा करके बर्तन खाना बनाना सब तुमको बनाना पड़ेगा पप्पी लेके। इतना सब कुछ जब मुझे ही करना है तो फैमिली प्लानिंग वाला काम भी मैं ही कर लेता ना, आपके तकल्लुफ करते। देखो बहुत हुआ, राशन लाना है, कपड़े धोने हैं, गमलों को पानी भी देना है। गमलों को पानी भी देना है? हाँ। ओ बेबी 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 बेबी, इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं गमलों को जरूर पानी दूंगा कुत्ते के जैसे। क्या है? और तुम? हाँ। जब हम और मालकिन गमलों को पानी देंगे, तुम बाहर खड़े होकर देखना, कोई आ तो नहीं रहा कुत्ते के जैसे। अच्छा, ताकि तुम वो कुत्तों वाली हरकतें करते रहो पप्पी लेके। सुनो, हमें तुम्हारा ये तरीका हमें अच्छा लग रहा है, और कौन कौन सी बुरी आदतें हैं बताओ जरा अपनी। नहीं आदत और कोई बुरी नहीं है, बस ये कि मैं फायदे के लिए शराब पी लेता हूँ। देखो शराब पीने से गला खराब होता है, इससे क्या फायदा? फायदा है, यही तो हम चाहते हैं, आप शराब पिए आपका गला खराब हो रहा, आप जो बार बार आशा करती हैं करना बंद करें, हम दोनों का फायदा हो जाए।
सुनो आज का मेन्यू सुन लो, खाने में क्या बनेगा। हाँ। सबसे पहले दोपहर के खाने में तंदूरी मुर्गी और रात को अंडा करी पप्पी लेके। जब दोपहर में मुर्गा बन जाएगा तो रात में अंडा करी के लिए अंडा तुम दोगे कुत्ते की जैसे? चुपचाप नौकरों की तरह काम करो, जा अंदर जाकर खाना बनाना शुरू करो। क्या बनाओ खाने में? ऐसा करो तुम आज माँ की दाल बनाओ। किसकी माँ की दाल? तेरी माँ की दाल या इसकी माँ की दाल? अरे काले माँ की दाल बना बे। काले माँ की दाल? काले माँ की दाल पप्पी लेके। ओके। अबे अबे तकिया। मुझे भी कहिए ना निकल जाओ पप्पी लेके। तेरे तेरे पप्पा को बताऊं क्या कर रही है तू यहाँ पे? पप्पी लेके पप्पा काफी जाएगा। कंगना आपको ये सब सुनना पड़ रहा है लेकिन अब क्या अंदर अंदर की बात है, दिल ही दिल में तो आए हाय कंगना आ मेरे अंगना, एक दूसरे के गले में है टंगना और तेरी आंखों में खो जाना चाहता हूँ। ये राइम नहीं हुआ लेकिन जज्बा तो आप समझ गई है, भावना को समझो। मैं भी आता हूँ आपके, जाइएगा खाना मैंने सिर्फ 3 लोगों का बनाया है, अभी पुलिस आएगी तो उनका भी बनाना पड़ेगा ना। अरे पुलिस को इसलिए बुलाऊंगी ताकि वो चोर को पकड़ सके। चोर भी आएगा ना? अच्छा सुनते हो? अरे हाँ सुननी पड़ेगी। हम कौन सा सलमान खान है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो किसी की ना सुने पप्पी लेके। देखिए मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया है और मुझे शक मालिक पर है। बेबी 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 तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती, मुझे भी शक मालिक पर है। अरे बेवकूफ मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। बेबी सबके सामने मेरी बात मत किया करो और खास कर तुम्हारे पति के सामने, इस आदमी को शक हो सकता है। बदतमीजी मत करो, हाथ उठा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। हाथ उठा अबे ये बदतमीज, हाथ उठा। अच्छा अरे मालिक घर में चोरी हुई आपको भंगड़े की पड़ी है? मालिक ने। अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है? अभी दिखाता हूँ। बरखुरदार अगर बच्चों का जिक्र भी किया तो यहाँ से तुम्हारी लाज जाएगी। आयला सूजी मैं बता नहीं सकता, वो जिस तरह से मुझे देख रही थी उसके रोजे कम गए। सूजी आयला जादू आयला। ए मुन्ना मेरा बच्चा है तू, ए पटे 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 आयो को आया। चल भागा। देखा मेरे पास क्या क्या है। हाँ। और कुछ सुनना चाहोगे कुत्ते के जैसे? नहीं तो ठीक है अब मैं तुम्हारी तलाशी लूं। अरे हमारे पास कुछ नहीं है, हम इस घर के मालिक है, लो तलाशी ले लो। मुझे तो लग रहा है इसके पास कुछ है। मालिक इसके पास लव लेटर है, ये देखिए आई लव यू डार्लिंग। मुझे लगता है मालिक ने लव लेटर उसी के लिए लिखा होगा जिसे इन्होंने मंगल सूत्र गिफ्ट कर दिया। तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा था? अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही, ये मेरा नहीं है, मैं खुद करने की कोशिश। तो दिया क्यों नहीं मुझे? ये लोग तो लड़ते ही रहते हैं, काम करता हूँ जब तक ये लड़ रहे हैं मैं माँ की दाल खा लेता हूँ। ये क्या नाड़े वाली दाल? लेकिन मैंने तो दाल हाथ से बनाई है। अरे मेरा मंगलसूत्र! ये मंगलसूत्र है? माँ की दाल में मंगलसूत्र है मतलब माँ ने दूसरी शादी कर ली। ये देखो, और तुम हम पर शक कर रही थी, हम तो हमेशा से क्या चाह रहे हैं, तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। I am sorry baby. I love you baby. I love you too baby. तो दोस्तों क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे कुत्ते के जैसे? या इन दोनों में प्यार भी होगा पप्पी लेके? जानने के लिए देखिए गफूर उसकी फैमिली और मालिक को कॉमेडी सर्कस के महावली में हर रविवार रात 10 बजे। और अब आप लोग हमें क्या कमेंट्स देंगे? पप्पी लेके। सुहेल आप कमेंट्स ऐसे ही देंगे कि पप्पी लेके? के जैसे पप्पी लेके। I'm very happy, yeah. What a beautiful line. Thank you very much.
कन्ना आपको कैसी लगी ये मिमिक्री का भंडार? मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना हंस हंस के पेट भी दर्द करने लग गया। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा नौकर का और मालिक का, और उनका नाम मालिक है, सच फनी थिंग। और आशा जी की जो गिगल्स है इज रियली फनी। थैंक यू। You three are adorable as these three characters. Thank you, man. And I want to say this, कुत्ते के जैसे पप्पी लेके तुम तीनों की, कि तुम तीनों मतलब ने कमाल किया, लेकिन वो कुत्ते के जैसे लिखा किसने? वंकुश अरोड़ा कुत्ते के जैसे। बिल्कुल। तो उसको आदर और सत्कार देना चाहिए पप्पी लेकर, क्योंकि उसने लिखा है बिल्कुल कुत्ते के जैसे। फूफा की अस्थि विसर्जन के लिए गोलू अपनी बुआ को लेकर बैंकॉक जा रहा है। अब बैंकॉक में होगी शोक सभा या रामबा सांबा, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एस गोलू एंड सिद्धार्थ एस बुआ। सुगंधा इसलिए क्योंकि पूरा एस बनता है, ये देखो। क्या बात है, नया सेट, नई सोच, पुराने जज, बुरा ना मानिएगा। सोहेल जी, आपकी फिल्म जय हो के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू नहीं बोलना, तीन लोगों की मदद करना। यही बोल रहे थे ना आप, तीन लोगों की मदद करना। पिछले दो साल से देख रही हूँ, दो ही आदमियों की मदद हो रही है। एक भाई जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, पहला आ जाता है। कंगना बेटी आई है, दूध मलाई खाई है, क्या बात है। हर बार प्रमोशन के लिए आती है, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई है। अब तो ये हाल हो गया, लोग कहते हैं देखो जो कॉमेडी सर्कस में कंगना बैठती है वो फिल्मों में आ रही है। मेरा जो भतीजा है गोलू, वो आने वाला है। वो इसलिए आने वाला है क्योंकि मेरे पति की अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाना है, और वो भी कहाँ? मेरी रिंगटोन थी। हाँ पिंटू यार, मजा ही आ जाएगा। पिंटू, बुआ ने मेरे को पैसे दिए चारधाम की टिकट के लिए, मैंने बैंकॉक की टिकट करा दी। इधर आ। हाँ जी। तू खेत से आ रहा है ना, हल्का होके आए ना खेत से तू। हाँ? मना करती हूँ खेत में मत जाया कर, गांव वाले आके शिकायत करते हैं, कहते हमारे मैदानी इलाकों को पहाड़ी इलाका बना के आता है। अरे बुआ, मैं तो फुफा जी की अस्थियां लेने गया था। हाय मोहनलाल, ही इज मोहनलाल एंड ही इज माय ब्रदर, मेरे पति हैं। एंड आई रियली लाइक हर। चूटी काट रहा, देख रहे हो? राख ठंडी हो गई लेकिन ये ठंडा नहीं हुआ। बुआ कंगना आई है, कंगना से मेरी एक बार शादी करवा दे। इसमें कौन बड़ी बात, अपने घर की है वो। कंगना बेटी, दब के मरना पसंद करोगी? नहीं, मना कर, शादी नहीं हो सकती। फ्लाइट का टाइम हो गया है तो फटाफट आ जा, चल बैठते। चल चल, इधर इधर इधर, फ्लाइट, वाओ जी वाओ। आए हाय, अरे तूने सही कहा था, फ्लाइट में बैठ के देखो तो इंसान चींटियों जैसे नजर आते हैं। बुआ, फ्लाइट अभी उड़ी नहीं है, वो सचमुच में चींटियां हैं। बुआ मेरे को सुसु आ रहा है। सुसु बुआ, मुझे भी प्यास लग रही है। दो दो घूंट हो जाए क्या? पानी, मैं पानी पीती हूँ, तुम अपना सुसु कर क्या? अच्छा बुआ एक बात बता। हाँ? फूफा टपके कैसे? मैं और फूफा फ्लाइट में बैठे थे। हाँ जी। तो हमें कूदना पड़ा, तो दोनों का पैराशूट खुला ही नहीं। है? लेकिन आप कैसे बच गई? मैंने तो साड़ी का पैराशूट बना लिया था ना। अरे फ्लाइट हिल रही है, फ्लाइट हिल रही है बुआ। चुप कर, चुप। अच्छा मत, जोर से मत बोल, तेरा फूफा डरता है। मत कर, वो देख लोटा गीला कर दिया उसने। बुआ लैंडिंग होने जा रही है। लिखा है? ये लिखा है BANGKOK, चार धाम। चार धाम में सारे लोग मुझे ऐसे ऐसे करके घूर क्यों रहे हैं? एक तो सुंदर होना बड़ा गुनाह है, सब ताड़ते हैं। एक मिनट, अरे बैंकॉक आ गए हम। बैंकॉक, हाय रब्बा, मजा ही आ गया।
उधर देख। आए समंदर आ गया, क्या बात है? ये लो। अब तेरे फूफा को विसर्जित कर देते हैं, ठीक है? और लेकिन इसमें भी तेरे फूफा आधे ही हैं। है? हाँ। आधा क्यों नहीं लेकर आए? पूरा डाल दो तो हाथ पैर के साथ तैर के वापस आ जाता है। मैं तो मैं छोड़ने जा रही हूँ, बुरा ना मानेगा। एक मिनट, इतना इमोशनल कर दिया, मैं लास्ट बार अपने फूफा को देखना चाहता हूँ। देख ले। बुआ, फूफा की आँख पीली हो गई। दिखा, पागल तो नहीं तू? नींबू है ये। अबे नींबू मिर्ची का अचार लिया है तू? बदतमीज। तो फिर मैं कल रोटी के साथ क्या खा गया? बुआ जी, बुआ ने मारिएगा। ऐ तू चल यहाँ से, मेरा फूफा मार दिया तूने, मेरा फूफा खा गया तू। मेरे को बचा। अब नहीं बचेगी तू। नहीं। कंगना मेरे को बचा लेगी। ऐसी हो? बुआ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम दोनों आपसे ये कहने आए हैं कि चारधाम तो पूरा नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टाइम चलेंगे। मैं कंगना के साथ हनीमून पे स्पेन जाना चाहता हूँ। गोलू को ले जाऊँ साथ में? बेटा ले तो जाओ, स्पेन में सर में पेन कर देगा तुम्हारी। नहीं करेगा। प्लीज कंगना जी, आप एक बार रिक्वेस्ट कर दो। बच्चा है, जाने। बच्चे को खा ले हनीमून पे? नहीं, बच्चा नहीं होना। एक बार लेके तो जाओ, फिर पता चलेगा आपको। भेज दो बुआ हमें, प्लीज। बेटा देख, वरना वो रो पड़ेंगी। प्लीज बुआ। देख बेटा, बात को यही इतना ही समझ ले। देख, जो मर्जी हो अंदर से, मैं सिद्धार्थ हूँ, मेरा मन है जाने का। तो ठीक है, फिर तू निकल जा। ये बहुत है। तो बताइए कंगना जी, आप बुआ कम सिद्धार्थ को लेना चाहेंगे? जी नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। और मेरे वैसे भी फिल्म का कॉन्सेप्ट यही है कि मैं अकेली हनीमून पे जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। आज सोहेल जी आपका पहला एपिसोड है, तो पहले एपिसोड की शुरुआत मीठे से होती तो पप्पी तो बनती है भाई। क्वीन कंगना के दिले दरबार को सजाने के लिए आ रहे हैं हमारे निठल्ले महाराज अपने खुराफाती सेनापति के साथ। आज महाराज और सेनापति करेंगे कैसी पागलपंती, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम राजीव एज महाराज एंड बलराज एज सेनापति। एक मिनट इधर आ जा। रुक जाओ महाराज, हमने कहा ना हमें मत मारो, हम नहीं जाएंगे दूसरे शो पर। दूसरे शो पर? महाराज जी, मेरी पजामी वापस कर दो, हमें हमारी नहीं मिल रही। महाराज मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा अरबाज खान से। लगा दो। गया। सरकारें बदल गई। महाराज अगर अरबाज खान की जगह सुहेल खान शो में जज आ जाए तो क्या होगा? तो फिर एक ही चीज होगी, या तो राजीव ठाकुर शो में रहेगा या फिर सुहेल खान, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्यों भाई? नहीं, आठ नंबर के अंदर ना दो तलवार आ सकते हैं। I'm back with eight. मैं घर से लेके आया। ठीक है फिर, महाराज की शाही मौत की तैयारी की जाए। बा मुलायजा होशियार, खबरदार, शहनशाहों के शहनशाह से पिटने वाले, टीपू सुल्तान के पड़ोसी, द वन एंड ओनली दलालुद्दीन पप्पू महाराज हाजिर हो। महाराज जी अच्छे लग रहे हैं महाराज। हाँ हाँ महाराज, मैंने जय हो देखी महाराज। अच्छा, लहरी साहब भी हैं उसमें? हाँ हाँ, तो सलमान भाई ने जिन तीन लोगों की मदद की है उनमें एक सुदेश लहरी भी हैं। महाराज मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। क्यों? सलमान भाई ने बोला था तीन लोगों की मदद करनी है, सुहेल भाई ने फिल्म में 300-400 की मदद की हुई है। सुहेल भाई हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये कास्टिंग की थी या राष्ट्रीय बेरोजगार योजना चलाई थी? ऐसी बातें नहीं करनी, वो बुरा मान जाएंगे। वो क्या नाराज होंगे, हम उनसे नाराज हैं, हम बहुत नाराज हैं उनसे। महाराज नाराज भी आप हैं और सजा भी आप ही लेंगे। क्यों नाराज हैं उनसे आप? कमाल करते हो, जिस शो से पैसे कमा के फिल्म बनाई उसी शो की प्रमोशन में नहीं आए? नहीं महाराज, इसमें सुहेल भाई का कोई कसूर नहीं। महाराज क्यों? सुहेल भाई तो घर से निकले थे कॉमेडी सर्कस में आने के लिए, फिर रास्ते में इनको कॉमेडी सर्कस राइटर मिल गया। महाराज फिर ये उस राइटर के पीछे अपनी गाड़ी लगा के आ रहे थे। तो फिर यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो राइटर के बिना किसी और शो में चला गया। ओह माय गॉड।
जी अभी यहाँ जज बन के आ गए। ये दोनों भाई जज नहीं, दोनों भाई पहलवान हैं। एक भाई 100 करोड़ कमा लेता है, फिर दूसरे को बोलता है चल तेरी बारी। महाराज महाराज क्वीन आई, क्वीन आई। क्वीन कहाँ है? क्वीन वो अर्चना जी के बगल में थोड़ी सी बैठी थी। फिल्म की प्रमोशन करने आई महाराज। हमने देखा इनका प्रोमो। हाँ हम लुट गए। आपकी वजह से हमारी रानियां हमें यहाँ पर अकेले छोड़ के इंग्लैंड अकेले हनीमून मनाने चली गई है। इनका हीरो क्यों नहीं आया साथ में? ये बड़ी चलाक औरत है महाराज। क्यों? ना पति को हनीमून पे लेके जाती, ना प्रमोशन पे लेके आती। कौन है इनके पति? इनके पति कौन है? ये रहे महाराज। किधर हैं? ये रहे इनके हीरो। ये हीरो हैं? जी महाराज। तो फिर इनमें क्या बुराई है? क्या है महाराज? तो प्रोड्यूसर जाती है इनको हीरो साइन करने। हाँ? ये आगे से भी उतार के बैठ जाती, कहती मैं कांटा चीना बनूंगी। हम रानी को लेने जा रहे हैं। महाराज कितनी बार का है पीछे से आवाज मत दिया कर। इस बार मुंह से दिया महाराज। अगर हम अपनी रानियों के पास ना जाएं तो इस रानी से हमारी सेटिंग कराओगे? महाराज वो रानी नहीं है। हाँ? वो क्वीन है महाराज, क्वीन। अच्छा, उसको पटाने के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई नो इंग्लिश। वेरी गुड, बोलो। हैं? बोलो। आई नो इंग्लिश। राजा बना रहे तेरे को। किसने बनाया राजा तेरे को? एक मिनट। कहाँ के राजा हम? हमारा सेनापति हमें मारता रहता है। एक मिनट, हम गुस्सा निकालेंगे, अपनी प्रजा पे गुस्सा निकालेंगे। महाराज मत मारो। हमारी प्रजा के मुंह से मोजा उतारा जाए। तुम्हारे मोजा नहीं पहना, मुंह ही ऐसा है। वो जो आपकी रानियां भागी है ना, उनमें से एक इसके साथ भागी। इसके साथ क्यों भागी? अब महाराज आपसे तो अच्छी तरह किस भी नहीं हो पाती है। बकवास मत कर, ट्रेलर नहीं देखा? हिंदुस्तानियों से अच्छी किस कोई नहीं करता। इमरान को जानते हो? महाराज साबित करके दिखाइए, प्रूव इट। अभी हमारे महाराज मौत के कुएं में होंठ चलाएंगे। कम ऑन महाराज, गेट आउट। जो आज्ञा महाराज। हमारी प्रजा में मारती ने मैनर्स नहीं सिखाए। महाराज उसको मैनर्स सिखाए तभी कंधे में मारा, वरना कहीं और मारता। इनसे हमारी शादी करा दो। आपको अकल नहीं आती शादी करा दो? घर में मेहमान आए, हमारी शादी करा दो उनसे। महाराज आपको मेहमान नवाजी नहीं आती। तुझे बड़ी आती है ना? आती मुझे मेहमान नवाजी। अच्छा? हाँ अभी पता चल जाएगा। कर मेहमान नवाजी। मैं मेहमान। ठीक है महाराज। आइए जी, आइए आइए, चाय पियेंगे? लाओ लाओ चाय। चाय पीजिए। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलना, 3 लोगों की मदद करनी है। थैंक यू नहीं बोलना। थैंक यू नहीं बोलना। थैंक यू नहीं बोलना। थैंक यू नहीं बोलना। मुझे पता चल गया। हाँ मैं मेजबान। ठीक है महाराज। तू मेहमान बन के। ठीक है महाराज। नमस्ते जी। नमस्ते जी। चाय पियो जी। लाओ जी लाओ जी। अभी थैंक यू बोलेगा? चाय में चीनी नहीं, थैंक यू बोलेगा। थैंक यू बोलेगा। थैंक यू बोलूं मैं मेहमान। ठीक है महाराज। नमस्ते जी, चाय पिए। हाँ जी लाओ जी। अभी थैंक यू बोलेगा? थैंक यू बोलेगा। साले इसमें चीनी नहीं है। क्या बोला आपने? इसमें चीनी नहीं है। चाय कहाँ? चाय चाय कहाँ? चाय कहाँ? सॉरी 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 नहीं बोलना, सॉरी नहीं बोलना। थैंक यू नहीं बोलना। 3 लोगों की मदद करनी, 3 लोगों की मदद करनी। थैंक यू नहीं बोलना। सामने से 3 लोग मदद करने के लिए नहीं आते, हम क्यों करें 3 की मदद? हमें नहीं करनी। सुहेल ट्रेमेंडस एक्ट, ग्रेट फन। थैंक यू। कंगना सबसे ज्यादा अच्छा वो मुझे लगा पार्ट जहाँ पे इन्होंने वो प्रजा के साथ में इमरान का डायलॉग जो था काफी ह्यूमरस था, काफी फनी लगा वो। रियली नाइस। थैंक यू कंगना। गोलू बुआ, डॉली दुग्गल, पति पत्नी के बीच में नौकर, महाराज सेनापति और जिग्ना जामनगरी, हंसी के ये सारे रिश्तेदार लाफ्टर की खिचड़ी आपके लिए परोसते रहेंगे ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस के महाबली।